बंदे ने भी कारीगर ने काम किया है, मेरा तो मन कर रहा है कि उसके हाथ कटवा दूं। ठाकुर काम से की हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नो। आपको अपना राजू भाई राज आपके सामने है। दो दो दिखाऊंगा आपको एक्सट्रीम। पहले दिखाऊंगा इसके अंदर जो कि इसके अंदर क्या क्या किया और कैसे किया गया। सबसे पहले स्टार्टिंग बता देता हूँ आपको। इधर आइए, ये देखिए, ये जो क्रैश गार्ड इसके अंदर लगाया गया ना, ये है जुगाड़ वाला क्रैश गार्ड, जो कि आप देख सकते हैं फिटमेंट कैसी है। पत्ती उत्ती लगाकर जुगाड़ किया गया है। आगे देखेंगे इसके, इससे आपका मरघा डैमेज डेफिनेटली होगा ही होगा, जो कि राइडर वाला लगा देगा इसके अंदर, ये फंस गया। बट हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम देंगे आपको प्रॉपर फिटिंग वाला जेन्युइन आपको मिलेगा क्रैश गार्ड। आपको प्रॉपर फिटिंग है इसका, ओरिजिनल सेम मिलेगा आपको सैडल स्टे जेन्युइन फिटिंग का, जो कि दूसरी गाड़ी का जो है उसमें कंबाइन करूँगा। उसमें आपको पूरा दिखाऊँगा कि कैसे फिट हुआ हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ है, वो आपको वीडियो इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल बने रहना प्लीज़। तो टॉप रैक भी आपको दिखाऊँगा, सैडल स्टे भी दिखाऊँगा, साथ में दिखाऊँगा क्रैश गार्ड भी, जो कि मिलेगा इसका आपको प्रॉपर फिटिंग वाला। और इसके बाद इसमें जो किया गया है वो देखिए, इसमें किया गया मोबाइल होल्डर, इधर आपको देखने मिलेगा ये बार एंड मिरर जो कि लगा देंगे इसके अंदर। और आपको मिलती है लैमिनेशन जो कि इसके अंदर करी, मेन वर्क हमने जो किया है वो किया है इसके लैमिनेशन, देख सकते हैं आप। ये प्रॉपर फिटिंग वाला, हमारे पास जब भी काम होता है ना, हम जो करते हैं, हम करते हैं प्रॉपर फिटिंग वाला काम, हम चालू काम नहीं करते हैं। अगर वो करवाता तो बात अलग है, वरना 99% हमारा जो काम है वो प्रॉपर फिटिंग वाला है। चाहे कोई सी वीडियो हमारी, कोई सी भी जगह, कोई सी बाइक की, कोई सी भी स्कूटी की, चैनल को चेकआउट करें राजू भाई एसकेडी को, क्योंकि उसके अंदर ही आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली है आपको। तो ये मैंने दिखाया इसके अंदर आपको सारी चीज़ें, लैमिनेशन वगैरह दिखा दी आपको। और अब देखो आप, पहले भैया का रिव्यू लेते हैं इनका, कि इनको हमारा जो हमने लैमिनेशन वगैरह किया वो कैसी लगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी के अंदर उनका भी रिव्यू लेंगे बाद में। तो भैया ऑल अबाउट बताएंगे हमारी जो आपने काम कराया हमसे, लैमिनेशन वगैरह कैसी लगी आपको? लैमिनेशन तो मुझे बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छे तरीके से करी, पूरे मात्र 5 से 6 घंटे लगाए पूरी फिनिशिंग में इन भाई ने, इतनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग करी है। और बाकी आप मुझे लेग गार्ड के लिए कह रहे हैं, तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम आके उसको भी लगवाऊंगा। सर आप जब वीडियो देखोगे ना, अभी आप खुद की वीडियो देखो, इसी वीडियो के अंदर दोनों मिल जाएंगे क्रैश गार्ड। तो मैं इसका लुक चेकआउट करा दिया मैंने आपके अपने व्यूवर्स को भी, और आपने भी चेकआउट कर ही लिया है, ठीक है ना। और जब वो लगाऊंगा उसकी जो फिनिशिंग देखोगे तो आप दौड़ दो मेरे पास, अगर मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट ही होगा और किसी को नहीं मिलेगा। पूरे करोल बाग छान मार लेना, आपको किसी के बाद नहीं मिल सकता। ये तो भी मेरी वीडियो देखेंगे शायद हमारे तो लगवाएंगे ही, बिल्कुल डेफिनेटली। तो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड हो हमारे काम से? हाँ, सेटिस्फाइड है, जब भी तो यहाँ पे खड़े हुए हैं। चलो जी, तो वीडियो अच्छी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना राजू भाई एसकेडी को। बाकी अब देखो आप दूसरी गाड़ी की वीडियो। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, कि एक जो हमारी बाइक थी, जो कि सेम बाइक थी, उसके अंदर क्रैश गार्ड जुगाड़ से लगवाया था, वो भी उन्होंने लगाया था पड़ोसी की दुकान से, इधर उधर कहीं से भी लगवाते हैं। नॉर्मली जो भी करता है वो जुगाड़ ही करता है, बट हमारे पास आ चुका है आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रॉपर फिनिशिंग वाला और फिटिंग वाला क्रैश गार्ड। देख सकते हैं ये है इसका एक्सट्रीम 125R का प्रॉपर जेन्युइन फिटिंग का क्रैश गार्ड, जो कि देख सकते हो आपकी किक भी कहीं टच नहीं होगी, और ये प्रॉपर जेन्युइन फिटिंग वाला है। इससे आपका TPFC और आपका टैंक और आपके खुद के लेग्स, ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। फुली प्रोटेक्शन वाला चीज़ है जो लगा दी गई इसके अंदर। सेम इधर मिलेगा, सेम मिलेगा आपको उस तरफ भी, और 4 स्लाइडर मिलते हैं इसके अंदर, इधर भी और इधर भी। और सबसे जो मेन है ना, वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ बार बार, कि आप एक बार ना इसका व्यू कर लो पूरी तरीके से, कि कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि जुगाड़ है, क्योंकि हमने जुगाड़ किया ही नहीं है इसके अंदर। ये है इंडिया फर्स्ट कहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंडिया फर्स्ट आपका क्रैश गार्ड है, जो कि इस गाड़ी का प्रॉपर फिट बनाया गया है। और ये भी हमने बनाया भैया का बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया इसका हमने भैया का, बिल्कुल फ्री बनवाया हमने। जो कि लुक चेकआउट कर लो आपकी, जो मैंने वीडियो में कमेंट किया भी था कि जो भी फर्स्ट करवाएगा उसका मैं फ्री काम करता हूँ, जैसे कि इनका फ्री किया है। सेम आपको क्रैश गार्ड दिख गया, सेम आपको दिखेगा सैडल स्टे। क्रैश गार्ड तो आपने बहुत सारी गाड़ियों में देख लिया होगा जो जुगाड़ वाला, बट ये होता है असली काम। ही देखो, ये कभी कोई जुगाड़ कर ही नहीं सकता है इस गाड़ी के अंदर। ये आपका सैडल स्टे और टॉप रैक, ये भी इसका मेरे पास आ चुका है, अवेलेबल है। किसी को भी अगर जो लेना हो तो पहले लुक चेकआउट करो इसकी क्या होती है, आगे से लेकर पीछे तक, कहीं से भी कोई जुगाड़ देख क्लिक बता दे कि जुगाड़ किया गया, तो मैं फ्री तो इनको दे ही रहा हूँ, आपको ही फ्री दूँगा अगर आपने जुगाड़ वाला बता दिया तो, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर है तरीके से। आप देख सकते हैं सीट के अंदर इसकी फिटिंग है, देखिए इधर आइए, ये देखिए ये सीट के अंदर से फिटमेंट है इसकी। ये इसके 2 बोल्ट इधर और 1 बोल्ट इधर, सेम आपको मिलता है फिटमेंट इधर भी, ये देख सकते हैं, ये भी आपको मिलेगा आपको। ये देखिए, ये आपका इधर बोल्ट हो गया
और सेम आपको इधर दो बोल्ट हो गए, इधर भी आपका पूरा प्रॉपर फिटमेंट है और ये कहीं भी जाने वाला नहीं है। ये प्रॉपर राइडिंग वाली बाइक बन चुकी है। अब सीधा सिंपली टॉप बॉक्स या पैनियर्स लगवाइए और कहीं भी निकलिए पूरी राइड पर। और आप ना जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसी एक वीडियो के अंदर मैंने आपको दो गाड़ी की वीडियो दिखाई है, एक जो पहले दिखाई थी वो वाली और एक ये। अब दोनों को आप खुद ही मैच कर लेना कि आपको क्या अच्छा लगा, जुगाड़ अच्छा लगा या प्रॉपर अच्छा लगा। क्योंकि जिन लोगों को प्रॉपर चाहिए ना भैया, तो प्रॉपर मिलेगा आपको मेरे पास। और ज़रूरी नहीं आपका ये बाइक हो, इस बाइक को तो मैंने कर ही दिया फ्री काम भैया का। अब जो अगली वीडियोस होंगी वो आपको मिलेंगी सारी पेड वाली, क्योंकि मैं फ्री एक का बनाता हूँ, हर किसी का नहीं बनाता। तो आपके पास कोई भी ऐसी बाइक है जिसका आपको मार्केट में कहीं सामान नहीं मिलता, जिसका मेरे पास भी सामान नहीं है, मैं उसका भी काम करूँगा बिल्कुल फ्री। जो कमिटमेंट है उसमें मैं अपने खरा उतरता हूँ हमेशा। लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी RTR वाली, उसके अंदर मैंने भैया को टॉप रैक फ्री में दिया था, ठीक है ना। और अभी एक वीडियो और बनाई है राइट RTR वाली, उसके अंदर आपको सैडल स्टे फ्री दिया गया है एक RTR वाले भैया को, तो सेम चीज़ उनको फ्री दी गई है। इसी तरीके से इनको भी फ्री दिया गया ये वाली चीज़ें। तो हर चीज़ बात फ्री की नहीं होती, बात ही होती काम की। क्योंकि काम जो होता है ना वो मैटर सबसे पहले करता है, क्योंकि काम आपको अगर मिलता है, अगर हमारे पर मिल जाता है आपको ईजिली मिल जाता है। क्योंकि भैया आए थे शाम को 4 बजे और 4 बजे आने के बाद 10 बज रहे हैं। अब देखो टाइम 10:12 हो रहे हैं इधर, और 10:12 भैया का हमने फ्री कर दिया पूरी तरीके से काम करके, ओके करके, जिसमें टॉप रैक, सैडल स्टे, क्रैश गार्ड, ये सब कुछ बन चुका है। फैक्ट्री अपनी है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो भी काम कराना है आप हमेशा आ सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आपका काम हो जाएगा। और अब ये तो आपने देख लिया सारी गाड़ी जो उसमें काम क्या क्या किया गया। अब मैं बुलाता हूँ भैया को कि भैया का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। तो आइए भैया। तो पहले तो बड़े भैया आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा बाइक लेकर आए उस चीज़ के लिए। और आप बताएंगे आप कैसे हैं और आपको कैसा लगा काम की होता है? ऐसा है कि मैंने भैया की वीडियो देखी थी, वीडियो देखने के बाद इनका काम तो मैंने देखता ही रहता था, और मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ। तो इनकी पहले आप अपने चैनल का नाम बताइएगा आपको, क्योंकि लोग ना सब्सक्राइब आपका भी कर ले, मेरा तो कर ही लेंगे, साथ में आपका भी कर। हाँ, और मेरा मेरे चैनल का नाम है एक्सलेंट राइडर। तो मैं अपने मेरी गाड़ी जहाँ जो भी वीडियो में देखी है सब जगह, तो मेरी ब्रांडिंग हो ही रही है चैनल की। बाकी भैया ने जो काम किया है मेरा फ्री किया है, वो इस वजह से किया है क्योंकि फर्स्ट गाड़ी आई थी इनके पास में, इससे पहले इनके पास एक्सट्रीम नहीं आई है, मगर आई थी बट बेसिकली क्या था, आने का मतलब ये नहीं होता, आ तो जाती है बट टाइम हर किसी के पास नहीं होता। भैया ने टाइम हमें दिया, तो हमने अपने प्रॉमिस किया था कि जो टाइम लेकर आएगा उसका। भैया ने पहले ही बोला था कि आपका ना मैं 0-0-0 सब जगह चार्ज 0 रहेगा, मैं खाली आया था सैडल लगवाने, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मतलब इतना प्रॉपर आएगा। आप खुद देखेंगे ना यहाँ से किनारे से, तो ये बॉडी पे भी टच नहीं हो रही, इसकी पत्ती जो ये बनाया है जिसने फिनिशिंग दी है, जिस बंदे ने भी कारीगर ने काम किया है, मेरा तो मन कर रहा है कि उसके हाथ कटवा दे। ठाकुर काम से कियो, जैसे ताजमहल पे शाहजहां करवा रहा था ना कि हाँ एक बार ताजमहल बनता है फिर उसके बाद ना बने, कॉपी ना करे, तो मेरे को मिल जाए तो मैं काट दूंगा, मगर इनका काम मुझे बंद नहीं करना है, मुझे इनका काम बंद नहीं करना। मगर ऐसा काम है ना कि मतलब साझा वाला ही काम करने का मन कर रहा है मेरा तो, कि बस इस मेरी गाड़ी के अलावा और कोई फिनिशिंग वाली गाड़ी जाए ना। और मैं बताऊं, हाँ, मगर आप आओगे, आप टेंशन फ्री आना, क्योंकि मैं फुल्ली रिकमेंड करता हूँ भैया के पास आने के लिए। क्योंकि देखिए मैं और जगह भी काम करवाया, मेरे से इससे पहले भी मेरे पास पल्सर थी, वो 1,00,000 किलोमीटर चलाई है, उसमें भी इतनी फिनिशिंग मैंने कहीं काम करते हुए देखा नहीं है कि कोई इतनी फिनिशिंग तरीके से काम करता है। प्लस है ना जो भी कर रहे हैं यहाँ पे मैं क्रैश गार्ड नहीं लगवा रहा था, भैया ने बोला क्रैश गार्ड भी मैं आपको 0 रुपये में लगा के दूंगा, मगर फिनिशिंग रहेगी बिल्कुल। आप ये नहीं कह पाओगे कि कहीं से कि जुगाड़ किया है, जुगाड़ वाला शब्द यहाँ पे इंडिया में बहुत चलता है, मगर यहाँ पे जुगाड़ कोई कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, आपको सब चीज़ जेन्युइन मिलेगी आपको। यहाँ पे भी आप देखोगे सब है ना फिनिश कर रहे हैं। आप इधर से आइए, इधर से आके दिखाइए ज़रा। सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पे ना, किक वाला जो सिस्टम है, आप किसी और जगह जुगाड़ करने जाएंगे ना तो वो ऐसी रहेगी, किक आपकी बाहर रहेगी, और यहाँ पे आपकी किक पूरी फोल्ड हो जाती है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे जितना मेरा ये हाथ है ना, आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे गुजर जा रहा है, उतना ही सेम आपको इधर दिखाता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे आप देखेंगे उतना ही स्पेस है, मेरा हाथ आराम से निकल जा रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं 19 कहीं 20 साइड में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको गाड़ी में, गाड़ी में एक नंबर काम हुआ है। मेरी तरफ से तो फुल्ली रिकमेंड है, भैया के पास आओ आप और करवाओ, और भैया आप बताएंगे कि इस पूरे टोटल काम का आपका कितना चार्ज आएगा, क्योंकि मेरा तो देखो नहीं बताएंगे बताएंगे तो आप आओगे तो बताएंगे, ऐसे नहीं तो वीडियो में देख के तो आप भाग जाओगे, इसलिए पूरे एक्चुअली मेन पता क्या होता है, देखो ये मैंने बना दिया है इसका। अब सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मैंने भैया का फ्री काम किया, क्यों किया 0 रुपये में, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए थी,
अब मैं बाइक परचेज़ करता, मेरे को 1.25 लाख रुपये खर्च करने पड़ते बाइक पर, तो मैं बाइक परचेज़ करता। मैंने वो ना करके भैया का अगर वो काम कर दिया है तो ऑलमोस्ट अगर वो देखा जाए तो मैंने कितना कितना करके एक्सपेंड कर दिया होगा, 3000-4000, इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं किया होगा मैंने। बट मुझे बेनिफिट क्या मिला कि आप लोगों के लिए जो, क्योंकि पता क्या, हर बंदा चाहता है प्रॉपर फिटिंग वाला काम, और आपको अगर प्रॉपर फिटिंग वाला काम अगर मेरे पास मिल रहा है तो बात पैसे की तो होती नहीं है ब्रो, पैसा तो हर कोई कमाता समझ सकता है, वही बात है कि मेन बट मेन होता है काम। आपको काम मिलना चाहिए, आपको काम मिल गया, दैट्स इट। काम से सेटिस्फाइड हो, राजू भाई से सेटिस्फाइड हो, भैया की बातों से सेटिस्फाइड हो, तभी आप मेरे पास आओगे काम कराने के लिए। अदरवाइज अगर काम मैं आपको दूंगा लुल समझते हैं, लुल हमारे लैंग्वेज लुल कहते हैं, तो लुल वाला काम अगर हमने दे दिया आपको तो समझ जाओ आपका क्या होगा, आप ना तो कोई रिकमेंड करेगा और ना ही आप मेरे पास आओगे। और सपोज ये भैया जो है, इन्होंने भैया ने जे एस पाजी की वीडियो देखी थी जो मेरी लास्ट वीडियो में जे एस पाजी आए थे, तो उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट मुझे दिखाया। मैं जे एस पाजी को फॉलो करता हूँ, उसी के थ्रू ही इनका वीडियो मेरे को देखने मिला, नहीं तो ऐसे पता नहीं चल पाता। बहुत सारे क्योंकि यूट्यूबर है आज की डेट में, जिस पे भी पत्थर मारोगे एक यूट्यूबर तो निकलेगा ही निकलेगा, तो इसी वजह से मैंने उनके थ्रू ही इनसे कनेक्शन हुआ मेरा, तब मैं आया हूँ यहाँ पे, और मैं आगे भी आता रहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये काम है। थैंक्स किसको कहना चाहते हो? और थैंक्स मैं सबसे पहले नहीं, जेएस पाजी को करोगे आप, जेएस पाजी को, जेएस पाजी तो अपने आइडल है, उन्हीं को देख के मैंने यूट्यूब कर रहा हूँ और मैं उन्हीं से इंस्पायर होके काम करता हूँ इस चीज पे। बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत बढ़िया हम्बल बंदे हैं वही। तो गलती से आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो सीरियसली मैं तो सच बताऊँ, आपने जो इंस्पिरेशन दिया ना और जो मोटिवेशन मुझे दी है, मैं खुद आपका शुक्रगुजार हूँ कि सीरियसली इतना, मतलब कहते ना कोऑपरेटिव बंदा बहुत ही कम मिलता है, जो कि आपने हमारे साथ किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, तो आपको थैंक यू और भैया को थैंक यू आने के लिए, बाकी काम को थैंक यू, आप सब लोग करेंगे जब आओगे तो और क्या। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भैया के भी और मेरे भी चैनल को, क्योंकि देखो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, ऐसे ही हम लोग आगे आगे आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तो ये सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट करना आपको काम कैसा लगा, क्योंकि मैं तो खुश हूँ। अब आगे आप लोगों को कैसा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, आप छोटा सा वर्ड लिख देना, नाइस, वेरी गुड, कुछ भी, या फिर इमोजी भेज देना, हम लोगों को पता चल जाएगा आपको हमारा मेहनत कैसा लगा कि इतनी रात तक आपके लिए रुक के वीडियो बना रहे। भैया देखो शटर बंद है, इधर दिखाओ, शटर बंद है और यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ पर आपके लिए वीडियो बन रही, कंटेंट बन रहा है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। समझ जाए सब, आप लोग समझ चुके हम क्या कहना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जे एस पाजी को भी, जे एस फिल्म, जे एस फिल्म को पहले करें, फिर करें एक्सलेंट राइडर को जो कि आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद कर लें एक छोटा सा बेल आइकन और आप सब्सक्राइब राजू भाई के लिए भी कर दें, राजू भाई SKD को, जो कि आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी मोटिवेशन आपको हर बार लाता रहता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।